Hi everyone, welcome back to my channel. This is Tasli. I hope you all are doing really great. I wish you a very happy and prosperous Diwali. So Diwali ke din I got to know that mujhe char sectors ke liye pull out kar liya gaya hai and I was ready to do my four sectors. जल्दी से हम बेस पे पहुँचे एंड दिस इज़ हाउ कोलकाता बेस लुक लाइक्स. बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन करी हुई थी बेस पे, तो हमने जल्दी से साइनिंग किया, पे किया एंड देन वी केम टू नो कि हमारी जो फ्लाइट है वो एक घंटे से डिले है बिकॉज वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है. सो हमारी फ़्लाइट आ रही थी अगरतला से एंड वी ऑल वर प्रेइंग कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो जाए, बट फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई. इस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पर आ गए, हमने इक्विपमेंट चेक की, देन आई हैड समथिंग टू ईट. तो इस तरह से पता ही नहीं चला कि चार सेक्टर्स कैसे निकल गए एंड वेदर कंडीशंस ख़राब होने की वजह से फ्लाइट में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी था. हाय परमिता, हाउ वाज योर दिवाली? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, जस्ट डन डन विद दिवाली. सो चार सेक्टर्स करने के बाद में हम बॉम्बे के टर्मिनल वन पे पहुँचे एंड वहाँ से हमने होटल में चेक इन किया. बट एक फन इंसिडेंट हुआ, वो ये कि मेरा जो होटल था, मैं लास्ट मिनट पे पुल आउट होने पे नो होटल हुआ करता है, बट देन ऑर्किड के कैब में मैं बैठ गई थी. देन काफ़ी टाइम के बाद में हमें ऑर्किड के कैब से निकल के नो होटल वाले कैब से जाना पड़ा. सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कीप यू अपडेटेड.